दो कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है और जो उसकी तरफ रुजू होता है उसको अपनी तरफ का रास्ता दिखाता है, यानी उनको जो ईमान लाते और जिनके दिल अल्लाह की याद से आराम पाते हैं उनको। और सुन रखो कि अल्लाह की याद से ही दिल आराम पाते हैं। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। और अगर शैतान की तरफ से तुम्हारे दिल में किसी तरह का वसवसा पैदा हो तो अल्लाह से पनाह मांगो, बेशक वो सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। जो लोग परहेजगार हैं जब उनको शैतान की तरफ से कोई वसवसा पैदा होता है तो चौंक पड़ते हैं और दिल की आंखें खोलकर देखने लगते हैं। और जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और अपने परवरदिगार को दिल ही दिल में आजिजी और खौफ से और पस्त आवाज से सुबह शाम याद करते रहो और देखना गाफिल ना होना। फिर जब तुम ये नमाज तमाम कर चुको तो खड़े और बैठे और लेटे हर हालत में अल्लाह को याद करो। फिर जब तुम मुतमईन हो जाओ तो पूरे आदाब के साथ नमाज पढ़ो। बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फर्ज है। मुसलमानों, नजात ना तो तुम्हारी आरजुओं पर है और ना अहले किताब की आरजुओं पर। जो शख्स बुराई करेगा उसे उसी तरह का बदला दिया जाएगा और वो अल्लाह के सिवा न किसी को हिमायती पाएगा और न मददगार। और जो कोई रहमान की याद से आंखें बंद कर ले यानी तगाफुल करे, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं तो वो उसका साथी हो जाता है। और ये शैतान उनको रस्ते से रोकते रहते हैं और वो समझते हैं कि वो सीधे रस्ते पर हैं। यहां तक कि जब वो हमारे पास आएगा तो उस शैतान से कहेगा, कह काश मुझ में और तुझ में मशरिक और मगरिब का फासला होता, तू बुरा साथी है। ऐ अहले ईमान, अल्लाह का बहुत बहुत जिक्र किया करो और सुबह शाम उसकी पाकी बयान करते रहो। वही तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। और अल्लाह मोमिनों पर मेहरबान है। और सुबह शाम अपने परवरदिगार का नाम लेते रहो और रात को बड़ी देर तक उसके आगे सजदे करो और उसकी पाकी बयान करते रहो। ऐ नबी, ये किताब जो तुम्हारी तरफ वही की गई है इसको पढ़ा करो और नमाज के पाबंद रहो। कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है। मोमिनो, जो पाकीजा चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उनको हराम ना करो और हद से ना बढ़ो, कि अल्लाह हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। और जो हलाल और तैयब रोजी अल्लाह ने तुमको दी है उसे खाओ और अल्लाह से जिस पर ईमान रखते हो डरते रहो। ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और पांसे, ये सब नापाक काम आमाल शैतान से है, सो इनसे बचते रहना ताकि तुम कामयाब हो जाओ। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के सबब तुम्हारे आपस में दुश्मनी और रंजिश डलवा दे और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम लोग इन कामों से बाज आओगे? जो शख्स नेक आमाल करेगा, मर्द हो या औरत, और वो मोमिन भी होगा, तो हम उसको दुनिया में पाक जिंदगी बसर करवाएंगे और आखिरत में उनके आमाल का निहायत अच्छा सिला देंगे। सो जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मर्दूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। हकीकत यह है कि जो मोमिन हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं उन पर उसका कुछ जोर नहीं चलता। उसका जोर उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको रफीक बनाते हैं और उसके वसवसे के सबब अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करते हैं। सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री ना करना। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने परवरदिगार की तरफ लौट चल, तू उससे राजी, वो तुझसे राजी, सो तू मेरे खास बंदों में शामिल हो जा और मेरी बहिश्त में दाखिल हो जा।